पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। चौरसिया समाज ने निष्पक्ष जांच को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पुलिसकर्मी पर नशे में होने के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि मैहर में बीते दिनों चल समारोह के दौरान पुलिसकर्मी के साथ भाजपा नेता ने मारपीट की थी, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे शहर में परेड निकाला था। आज इसी मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मैहर के चौरसिया समाज ने आरोपी अरुण चौरसिया के पक्ष में मैहर एसपी सुधीर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने बताया कि पुलिसकर्मी नशे की हालत में धुत था, सामने से आमजन को गाली गलौज कर रहा था, जिस वजह से वहां हाथापाई हुई। इस मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस वाले पर भी कार्यवाही की मांग की है। तो मेरे हस्बैंड किनारे पे खड़े हुए थे तो बोलते हैं, हे ऑटो वाले साले अपनी ऑटो हटा। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरी ऑटो नहीं है, थोड़ी तमीज से बात करिए। तो बोलते हैं कि समझ में नहीं आता साले तेरे को, ऑटो हटाओ। तो वो इतने में बोले कि ज़्यादा मत बोलिए। आगे गए तो वो गाली गलौज दिए थे, वो सर देने लगे पुलिस वाले। और माँ बहन सब की इतना पिए थे कि मतलब उनको दिख नहीं रहा था कि लेडीज हैं कि नहीं, बस उनके ऊपर गिर रहे थे ऐसे मतलब था। हो गया, उतने में ही बात आगे बढ़ गई। बात बढ़ी तो उन्होंने ही शुरुआत की है पहले मारने की, फिर यहाँ से इरादा हुआ है। पहली बात तो पुलिसकर्मी के साथ जो घटना घटी, हम लोगों ने प्रथम दिन जो देखा ऐसा लगा कि पुलिस के साथ मारपीट हुई, लेकिन कुछ सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए, उसमें साफ दिख रहा है जो वहाँ जो जनता लगभग हजारों की संख्या में लोग थे, चल समारोह था, वहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की। और ना पुलिसकर्मी जिस ड्यूटी दौरान जिस प्रकार होते हैं, ना उस बैच था, ना बिल्ला था, बिल्कुल शर्ट खुले हुए, तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। अनुमान कहीं घटना होती है तो सबसे प्रथम जो है तत्काल, एक तो पुलिस का मामला है, वैसे भी नहीं छोड़ती, 8 से 10 घंटे तक विलंब क्यों किया गया? जिस प्रकार लोग बता रहे हैं तो पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी और पहले उसने हाथापाई की और उसके बाद यह घटना आगे बढ़ी, यह निश्चित ही। हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे, हमारी स्पष्ट मांग प्रशासन से, निश्चित उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर अगर उसने गाली दी है और लोग बता रहे हैं तो प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, तभी हम लोग शांत होंगे। दुर्गा विसर्जन के जुलूस के समय कुछ विषय को लेकर पुलिस आरक्षक और अरुण जी के बीच में कहासुनी हुई थी, उस विषय को लेकर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। तो इसकी शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता है, ये शुरुआत पुलिस आरक्षक की तरफ से उस विषय को लेकर, और हम माननीय पुलिस अधीक्षक के पास हम लोगों ने चर्चा की है कि इसकी निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष जांच में जो दूसरी आरक्षक है उसके विरुद्ध संविधान होता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।